डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज 11.1 के सम करेंगे 9 to 11। नाइन्थ सम है स्टूडेंट्स, मदर हैज मेड लड्डूज, माँ ने लड्डू बनाए। सी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, वह कुछ लड्डू मेहमानों को और परिवार के सदस्यों को देती है। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, फिर भी 5 लड्डू शेष बच जाते हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल, यदि माँ ने एल लड्डू दिए, हाउ मैनी लड्डूज सी मेड, तो उन्होंने कितने लड्डू बनाए थे। गेस्ट को और फैमिली मेंबर्स को लड्डू कितने दिए, एल, और ये देने के बाद उसके पास लड्डू कितने बचे, 5, तो उसने बनाए कितने, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बनाए थे। मदर गिव्स लड्डूज टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेंबर्स इक्वल टू एल। नंबर ऑफ लड्डूज स्टिल रिमेन, जितने लड्डू अब भी शेष बच गए, इक्वल टू 5। अब हमने बताना है लड्डू कितने बनाए। शो मदर या सी मेड लड्डूज इक्वल टू एल प्लस 5, जितने बांट दिए वो और जितने बच गए वो, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने लड्डू बनाए थे। ये नाइन्थ सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, अभी टेंथ सम करते हैं। टेंथ सम है स्टूडेंट्स, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेज इनटू स्मॉलर बॉक्सेज, बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में संतरे ट्रांसफर किए गए, डाले गए। When a large box is emptied, जब एक बड़ा बॉक्स खाली होता है, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. जब एक बड़ा बॉक्स खाली होता है तो इससे 2 छोटे बॉक्स भर जाते हैं और फिर भी 10 संतरे बाहर बच जाते हैं। If the number of oranges in a small box are to be taken to be x, यदि छोटे बॉक्स में जो ऑरेंज हैं वो x ले लिए जाते हैं, what is the number of oranges in the large box? तो बड़े बॉक्स में कितने संतरे हैं, छोटे बॉक्स में कितने हैं, x, और जब एक बड़ा बॉक्स खाली होता है तो क्या होता है, इससे 2 तो छोटे बॉक्स पूरे भर जाते हैं और 10 ऑरेंज बाहर रह जाते हैं, तो हमें इसी से क्लू मिला और हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ए स्मॉल बॉक्स इक्वल टू एक्स लेना है, इसमें दिया गया है। शो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ए लार्जर बॉक्स इक्वल टू, वन बॉक्स में स्मॉलर बॉक्स में एक्स है और यहां बताया है कि 2 स्मॉलर बॉक्स तो कंप्लीट बन जाते हैं, तो इट मींस हो गया 2x, और ये 2 स्मॉल बॉक्स भरने के बाद 10 ऑरेंज बाहर बच जाते हैं, तो वो भी इसी में से निकले हैं, तो ये 10 हो गया। बड़े बॉक्स में कितने थे,
2x + 10। कैसे? ये इससे जब हमने छोटे बॉक्स भरे तो दो बॉक्स तो कंप्लीट भर गए और 10 फिर भी बच गए, तो इस प्रकार बड़े बॉक्स में थे 2x + 10। और ये अपना 10th सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब 11th सम करते हैं। 11th सम का ये पार्ट है स्टूडेंट्स, लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स ऑफ स्केयर जे फिगर 11.6। ये मैथ में जो फिगर दी गई इसको 11.6 नेम दिया गया है, इसको देखना है ध्यान से। द स्केयर्स आर नॉट सेपरेट, इसमें स्केयर बने हुए हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है। जैसे इसमें 1 स्केयर है, इसमें 2 स्केयर है, तो दोनों साथ साथ मिलाकर दिए गए हैं। इसमें 3 स्केयर है तो तीनों मिले हुए हैं। इसमें 4 स्केयर है तो चारों के चारों मिले हुए हैं। 2 नेबरिंग स्केयर्स हैव ए कॉमन मैचस्टिक, जो साथ वाले 2 स्केयर हैं उनमें एक मैचस्टिक है जो कॉमन है। जैसे ये 2 है तो इनमें ये बीच वाली जो मैचस्टिक है ये कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें भी ये 2 है तो इनमें ये मैचस्टिक कॉमन है, इन दोनों में ये मैचस्टिक कॉमन है। और ये 4 स्केयर है तो इन दोनों में ये कॉमन, फिर इन दोनों में ये कॉमन और इन दोनों में ये कॉमन। अब है ऑब्जर्व द पैटर्न, पैटर्न का अध्ययन करो एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ ए मैचस्टिक्स, और वो रूल फाइंड आउट करो जिससे हमें ये पता लग सके कि कितने मैचस्टिक लगे हुए हैं, ए में कितने, बी में कितने, सी में कितने, डी में कितने और आगे। और अगर इसमें 4 आगे 5 बढ़ा दे स्केयर तो कितने मैचस्टिक की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 1 स्केयर में कितनी मैचस्टिक है, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ ए मैचस्टिक आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्केयर इक्वल टू 4। 1 स्केयर के लिए 4 मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट है। अब शो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर n स्केयर्स, n का मतलब कितने भी हो सकते हैं, n वेरिएबल है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। n स्केयर्स इक्वल टू, या इसको 4 को n से सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए रूल बनेगा 3n+1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनमें जो 1 मैचस्टिक है ये कॉमन है सभी में, इसलिए हमने 1 को प्लस में लिखना पड़ेगा। 4n सीधा नहीं लिख सकते, 4n सीधा लिखते जब ये स्केयर सेपरेट बने होते अलग अलग। अब कॉमन है और कॉमन मैचस्टिक कितनी है, 1, इसलिए हमने लिखना पड़ा 3n+1। हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ स्केयर्स, या n का मीनिंग है नंबर ऑफ ए स्केयर्स। जैसे अगर एक स्केयर की निकालने तो n की जगह 1 रख देंगे। 3n क्या होता है, 3 × 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 1 ऐड कर दिया तो 4, एक स्केयर बनाया तो 4 मैचस्टिक लगी है। अब 2 स्केयर है तो 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 कितना होता है, 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, देखो इसमें 7 ही लगी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर 3 स्केयर हो गए तो 3 × 3, 9, 9 + 1, 10 हो गई, तो इसमें 10 मैचस्टिक मिलेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जब 4 स्केयर हो गए तो n की जगह क्या हो गया, 4, 3 × 4, 12, 12 में 1 ऐड किया, 13, देखो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ऐसे ही अगर 5 बनाओगे तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16। अगर साथ साथ मिला के 5 स्केयर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 16 मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। और स्टूडेंट्स ये अपना 11th सम का ए पार्ट कंप्लीट हो गया, अब बी पार्ट करते हैं। 11th सम का बी पार्ट है स्टूडेंट्स,
लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पैटर्न दिया गया फिगर 11.7 आपके मैथ में है। द ट्राइंगल्स आर नॉट सेपरेट, ट्राइंगल इसमें अलग अलग नहीं है। टू नेबरिंग ट्राइंगल्स हैव ए कॉमन मैच स्टिक, जो साथ लगते दो ट्राइंगल हैं उनमें एक मैच स्टिक कॉमन है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ ए मैच स्टिक्स। पैटर्न को ऑब्जर्व करो, अध्ययन करो इसका, और फिर रूल फाइंड आउट करो जिससे हमें पता लग जाए कि नंबर ऑफ मैच स्टिक कैसे निकलेंगे। ए में वन ट्राइंगल है, मैच स्टिक कितने लगी हुई हैं? 3। अब बी में टू ट्राइंगल है और इनमें जो वन मैच स्टिक है ये कॉमन है। सी में 1, 2, 3 ट्राइंगल है, इन दोनों में ये मैच स्टिक कॉमन है और इन दोनों में देखेंगे तो ये मैच स्टिक कॉमन है। और इसमें 4 ट्राइंगल्स हैं, 1, 2, 3, 4, इन दोनों में ये कॉमन है, इन दोनों में ये मैच स्टिक कॉमन है और इन दोनों को देखते हैं तो ये मैच स्टिक कॉमन है। अब इसके लिए हमें काउंट करने की बजाय रूल फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग काउंट करने की बजाय। नंबर ऑफ मैच स्टिक आर रिक्वायर्ड फॉर ए वन ट्राइंगल 3, इजीली काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3। अब है नंबर ऑफ मैच स्टिक आर रिक्वायर्ड फॉर एन ट्राइंगल्स 10 ट्राइंगल्स के लिए अगर अलग अलग बने होते ये तो फिर तो हम सीधा लिखते 3 × n, लेकिन इनमें 1 जो मैच स्टिक है वो कॉमन है इसलिए 3 × n ना लिखकर 2n+1 लिखा जाएगा। कारण 2 तो मैच ये ट्राइंगल हो गए और 1 मैच स्टिक इनमें कॉमन है इसलिए वो प्लस में करनी पड़ती है। ईयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ए ट्राइंगल्स, या n का मीनिंग है नंबर ऑफ ए ट्राइंगल्स। अब देखो जैसे 1 ट्राइंगल है तो 2 × 1 = 2 + 1 = 3 मैच स्टिक लगी है। अगर 2 ट्राइंगल हो गए तो n की जगह 2 रख देंगे, 2 × 2 = 4, 4 में 1 ऐड किया 5, देखो इसमें 5 मैच स्टिक है, 1, 2, 3, 4, 5। और जब 3 ट्राइंगल हो गए तो 2 × 3 क्या हो गया 6, 6 में 1 ऐड किया 7, अब इसमें देखो 7 मैच स्टिक मिलेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जब ये ट्राइंगल हो गए 4 तो क्या करेंगे, 2 × 4 = 8, 8 में 1 ऐड किया 9, तो इसमें 9 मिलेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे अगर 5 ट्राइंगल हो जाएंगे तो 2 × 5 = 10, 10 में 1 ऐड किया 11, तो उसमें 11 मैच स्टिक की हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये अपना 11th सम कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट हो गई।